कर ले जा, मैं तो मन में ये छोड़ा है। जो बिना भाई का इंटरव्यू देती है ये। बताओ बताओ बताओ। तो मैं बता दूं यहां का प्रथा अच्छा लगेगा, मंदिर में गाने तो अच्छा लगता है ये। जो इतने लोगों को बेरोजगारी का जो होता है वो मतलब ये बनाया है। आप सब लोग बढ़िया होंगे। जय श्री राम के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे बैंगलोर से। इस प्यार से वेदर से देखो कितना सेक्सी वेदर है, और वेदर तो सेक्सी है ही है। हमारे साथ हमारी बाइक भी बहुत सेक्सी बाइक है, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं नंदी हिल को। मैं 6 महीने से यहाँ बेंगलोर में था, मैं 6 महीने में एक बार भी नंदी हिल नहीं गया। बट देखो चल रहे आ गए वो लोग, और देखो दूसरी गाड़ी भी आ गई हमारी, ठीक है। और पहली गाड़ी ये पता है इतनी बेवकूफ़ लड़की है, पता कि ये टोल टैक्स से नहीं, इतना घुमा के फिर इसी रोड पर लेके आ रही थी। वो तो अच्छा हुआ किस्मत अच्छी थी, रोक ली हमने, कॉल कर लिया तुमको। मैं वही कह रहा हूँ कि यार टोल टैक्स तो पड़ता है रोड में। मैं कह रहा हूँ टोल टैक्स क्यों नहीं आ रहा हमारे साथ हमारे इसमें, क्योंकि मैं रहा हूँ यहाँ भाई साहब। ये तो मरवाती मेरे, मतलब कम से कम ये ना 5-10 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा चलवाती पूरा। इसने चलवाया भी मेरे को 3-4 किलोमीटर। गाइस तो अभी मैं कहाँ पे हूँ पता है, जहाँ पे मैं 6 महीने पहले था। ये देखो अभी मैं हूँ अपने बेंगलोर पे हूँ, ठीक है। आपको सभी को पता है कि मैं बेंगलोर पे हूँ। बस ये देखो इस वाले ठेले पे हम खाना खाते थे, इस वाली दुकान पे हम खाना खाते थे। ये पहाड़ मैंने आपको बहुत दिखाया अपने व्लॉग में, ये वाला पहाड़ मैंने आपको बहुत दिखाया अपने व्लॉग में। तो मैं जहाँ पे अपने पुराने वाले रूम पे था ना पहले, तो मैं अभी वहीं पे हूँ। और मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना मैं आज 6 महीने बाद आया हूँ यहाँ, पूरे 6 महीने बाद, और इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को यहाँ से। तो बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत चेंज हो गया। देखो ये जो गेम है ये मैंने खेला था यहाँ पे था। ये देख से इतना ये वाला गेम पे खेला कर नंदी ना, यहाँ पे है वो। ओके गाइस तो मिलते हैं, तो मैं सीधा नंदी हिल पे ही। अभी खा रही है दवाई, इसके दांत में दर्द है यार। इन और आज फाइनली वी आर इन आवर डेस्टिनेशन। सो यहाँ से अभी चलेंगे, ठीक है। मैं जब यहाँ में 6 महीने था तब मैं यहाँ बड़ा। देखो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है, ये है भी ऊपर जाने का। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ, रहने के बाद भी मैं नहीं आया हूँ यहाँ, शर्म की बात है। और ये यहाँ नहीं रहती है, यहाँ से कहीं दूर है, फिर भी ये सेकंड टाइम आ रही है। मैं यहाँ 6 महीने रह गया फिर भी नहीं आया। मेरे मतलब जहाँ पे मेरा पुराना रूम था वहाँ से बस कितना किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर। पर मज़ा बहुत आ रहा है, काफ़ी टाइम के बाद हमें ऐसा व्यू देखने का मौका मिला। मुझे लगा था कि यहाँ आके हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट हमें यहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा। क्यों रही गया हम जा रहे हैं घर को भाई, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ देखने आए थे तो दिख आई नहीं, पूरा बैंगलोर देखेंगे यहाँ से, बट यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा। यहाँ मतलब क्या बोलते हैं उसको, फॉग ही इतना ज़्यादा है कि वाइट के अलावा कुछ ज़्यादा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ये देखो अपने परिवार अपनी फैमिली से बोल दो सगा मेरा इससे ना छोड़ा है भाई। ये सही बोला, इससे तेरा सगा मत छोड़ा, मत छोड़ा, मत छोड़ा, मत छोड़ा, उठेगा उठा सगा भाई। ओए मत करो, ओए मारा मारा मारा, ओए ओए ओए।
नहीं नेहा का नाम, नेहा का नाम, नेहा का नाम मत लो, भड़क जाएंगे वाले, बहुत भड़क रहे हैं भाई। ठंडा भी हो रहा है भाई अभी के टाइम पे, बैंगलोर का वेदर इतना मस्त है, इतना मस्त है, धूप भी इतनी अच्छी आ रही है, अभी देख कितनी सेक्सी बन रही है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं आधी होगी, ठीक है, चीटे कलेक्ट करवाए हैं यहाँ से एंट्री क्या देख सकते हैं आप, हमारे आधी होगी जी यहाँ से एंट्री है, यहाँ पे नागराज के दर्शन होते हैं, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको, पहले भी दिखाया है, बट काफी लोग नए जुड़ चुके हैं मेरे व्लॉग में। बताओ ये इस मंदिर की स्पेशल तो, कुछ तो बताओ मंदिर तो, बिना माइक के इंटरव्यू नहीं देती है ये। बताओ 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 तो मैं बता रही हूं, एक मिनट बता दो उसको, यहाँ का प्रथा है सबसे पहले आप ईशा फाउंडेशन में आते हैं तो आपको ये प्रथा कब से हो गया, फाउंडेशन में आना ये प्रथा मतलब आप बताइए पहले, प्रथा का मतलब बताइए, सबसे पहले नाथ जी का पूजा होता है, नंदी जी, फिर नंदी जी का पूजा होता है, फिर सबसे सबसे बड़े भगवान महाकाल का पूजा, महादेव मतलब, हाँ जी, हाँ तू बता दो, खुश है इतने में ही कि मेरे भक्त सबसे पहले जो मेरे सेवक उनके सर, आप आपका प्रश्न मैं वापस सुनना चाहूंगा। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, इतना फेमस क्यों है, और गुरु द्वारा बनाया गया, सही सही बात है, जो इस जगह से इस चीज का रिलेटेड कुछ नहीं है, इस एरिया ये बस एक जगह नहीं है, ये पर देवना हल्ली एक एरिया है और चिकबल्लापुर ये एरिया, चिकबल्लापुर में एक छोटा सा गांव है, बड़ा सा मंदिर है, जो इतने लोगों को बेरोजगारी का जो होता है वो मतलब ये बनाया है, रोजगार भी है ना भाई। आप योगी जी, नंदी जी, हमारे भोलेनाथ का त्रिशूल, त्रिशूल इधर है शिवलिंग, प्यारा बना दिया जो सड़कें इतनी अच्छी बना दी है, सड़क लाइक मतलब पूरा चीज देखो पूरा ओपन है, अभी ज़्यादा ग्राउंड के लिए आ सकते हो आराम से, आराम से बैठ के। तो अभी हम रुके हैं खाना खाने के लिए, पानी कहाँ रुके हैं, श्री कृष्णा में रुके हैं, श्री कृष्णा, ठीक है, तो अपनी गाड़ियाँ खाना खाते हैं उसके बाद चलते हैं।